कश्मीर पुलिस ने जानकारी दी कि अनंतनाग के अंदवान सागर इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2-3 आतंकियों को घेरा गया है। पुलिस लगातार एक्शन में है। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के अंदमान सागर इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ होने की खबर सामने आ रही है। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट करते हुए लिखा है, अंदमान सागर इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई है, जिसमें 2-3 आतंकियों को घेरा जा रहा है। ये एनकाउंटर अंदमान सागर इलाके में शुरू हुआ है। पुलिस और सुरक्षा बल लगातार एक्शन में है। बता दें कि इस एनकाउंटर की जानकारी कश्मीर पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल से दी है। अंदमान सागर इलाके में चल रहे इस एनकाउंटर की जानकारी पुलिस ने दी है, जो कि अपने ट्विटर अकाउंट से दी है। इसके साथ पुलिस और सुरक्षा बल के जवान मौके पर भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने अपना ठिकाना गाँव से सटे हुए जंगल में अंडरग्राउंड बना रखा है। ये आशंका जताई जा रही है कि आतंकियों को जैसे ही मौका मिला वो फरार हो गए हैं। इसी के साथ वन क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है और ठिकाने से कुछ सामान बरामद भी किया गया है। पिछले हफ्ते भी जम्मू कश्मीर के, बता दें कि राजौरी जिले में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए थे। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जम्मू जोन मुकेश सिंह ने बताया कि मुठभेड़ में 1 अधिकारी समेत 4 जवान घायल हुए हैं। मुठभेड़ जिले के कंडी वन क्षेत्र में शुरू हुई थी। राजौरी में इंटरनेट सेवा बंद की गई। इस ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने एक ब्लास्ट भी किया, जिसमें 2 जवान मारे गए जबकि 4 घायल भी हो गए। घायलों में एक अधिकारी भी मौजूद था। इसके अलावा बारामूला में भी जम्मू कश्मीर पुलिस और आतंकवादियों के बीच 6 मई को मुठभेड़ हुई, जिसमें 1 आतंकी को ढेर कर दिया गया। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल से इस एनकाउंटर की जानकारी दी थी। इसके साथ ही आतंकी के पास से AK-47 राइफल भी बरामद की गई। इस आतंकी का नाम आबिद वानी था, जो कि लश्करे तैबा आतंकी संगठन के साथ जुड़ा हुआ था। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।